What you reported till now to the Tamil Nadu police? Because Manish Kashyap is arrested. एक्चुअली आप विगत कुछ दिनों से देख रहे थे कि आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी और साथ ही साथ बेतिया ज़िले में भी एक केस पेंडिंग था जिसमें जो लीगल प्रोसीजर था वो आगे बढ़ रहा था और कल उसकी कुर्की निकाली गई थी और आज सुबह में उसकी कुर्की भी की जा रही थी और कुर्की भी कम्प्लीट हो गया है। तो लगातार ईओयू के द्वारा की जा रही लगातार छापेमारी और बिहार पुलिस के दबाव में फाइनली आज जगदीशपुर थाने में मनीष कश्यप के द्वारा सरेंडर किया गया और हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। कश्यप को चंपारण में लॉन्च हम लोगों ने किया है, लॉन्च हमने किया है। मैं खुलेआम कहता हूँ, ओपन चैलेंज आओ भाई। वो आदमी को तो बराबर बोलता हूँ कि भाई कभी अगर शौक लगे तुमको अपने आप पे, पढ़ाई पे अगर गर्व महसूस हो तो आकर के कभी डिबेट में सामने बैठ जाना भाई, डिबेट कर लिया जाएगा। ये गुमराह करता है लोगों को, ये केवल गुमराह करने का काम करता है भाई। सीधी सी बात है कि सोशल मीडिया पे लिख देने से कुछ नहीं होता है। आज वो पूरे बिहार को लड़वाने का काम कर रहा है, तमिलनाडु के लोगों को लड़वाने का काम कर रहा है। इसी का वीडियो विज्ञापन मैं आपको ऑन रिकॉर्ड प्रूफ के साथ बोलना चाहूँगा कि हमारा एक छोटा भाई है डॉक्टर आशुतोष, मैंने जी आप भी जानते होंगे, उसने फ़ोन किया, पटना समाधान हॉस्पिटल में रहता है, बोला भैया एक स्कीम हम चला रहे हैं कि गरीबों का इलाज जो है मुफ्त हम करवाएंगे इस हॉस्पिटल में। हम बोले बहुत अच्छा स्कीम चला रहे हो, तो बोला कुछ प्रचार प्रसार सोच रहे हैं कि हो जाए, तभी तो गरीबों तक हमारी बातें पहुँचेगी, चूँकि हम पब्लिसिटी वाले आदमी तो है नहीं। तो ये मनीष कश्यप जी के एक डायरेक्टर हैं मनी द्विवेदी महोदय, मनी द्विवेदी को फोन किया कि भैया ऐसे से बात है, तो वो बोल रहे हैं मनी द्विवेदी की 2.5 लाख रुपया दोगे तो हम प्रचार करेंगे। ये क्या गरीबों के लिए लड़ेगा, क्या न्याय के लिए लड़ेगा, ये तो खुद दलाल है। इसका सब कहते हैं गरीबों के मसीहा, गरीबों के क्या मसीहा है, वही तो आप भी एक पत्रकार है, पढ़े लिखे पत्रकार है, मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो ऐसा ही कहना उसे बउआ के आ गया, कुछ कुछ बोल देता है समझ में आता है। कई लोग हमको लगता है कि उसको मतलब रांची ले जाना चाहिए, कहीं पागल उगल तो नहीं हो गया, हमको वहीं लग रहा है, क्योंकि साइको टाइप का लगता है, कभी गाली देगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी किसी को कुछ समझ में नहीं आता, इसको रांची भर्ती करवाना चाहिए। सीधी सी बात है, इंजीनियरिंग आधा में से छोड़ के भाग आया, इंजीनियरिंगो नहीं किया, इंजीनियरिंग भी किया रहता तो दूगो चीज तो रहता, चलना बोलना खाना इतना तो जरूर सीख लिया होता। ये साइको है एकदम, ये चाहता है ना कि आरजेडी को और भाजपा को आपस में लड़ा करके, विपक्षी को आपस में लड़ा करके, अब भाजपा वाला कहीं हमको सपोर्ट कर देगा तो हमारा अगला बीट में कहीं टिकट मिल जाएगा तो हम चुनाव लड़ लेंगे। नेतागिरी का अपना रोटी सेक रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता, हम इसको बोलते हैं बार बार भाई मुखियाई में पहले लड़ लो, मुखियाई में जीत जाओगे ना उसके बाद भाई विधायक का सपना देखना। तुम जिस विधानसभा के विधायक बनोगे भाई, भागे है वो विधानसभा बर्बाद हो जाए।